कोरोना कोरोना कोरोना, आखिर क्या है ये कोरोना? अगर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की मानी जाए तो 15 मार्च 2020 को रात को 12 बजे तक पूरे इंडिया में 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट हुए हैं, शायद ऐसे कई केसेस हो जो अभी तक डिटेक्ट भी नहीं हुए और रिपोर्ट भी नहीं हुए। एंड आउट ऑफ दीज 110 केसेस सबसे ज्यादा केसेस है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है इन द सिटी ऑफ पुणे एंड पिंपरी चिंचवड। बीइंग द रेजिडेंट ऑफ पुणे एंड पिंपरी चिंचवड, अवर सोसाइटी हैज यस्टरडे कंडक्टेड अ मीटिंग। तो दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मेरा मैसेज है आप लोगों को, जो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लगता है आप लोगों को देना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी की कल रात को हुई थी मीटिंग, क्योंकि हम जिस एरिया में है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ बहुत सारे केसेस हैं और अगले कुछ दिनों में ये केसेस बढ़ने की उम्मीद है। तो ये मीटिंग में काफी डॉक्टर्स आए थे, बहुत फेमस डॉक्टर्स आए थे, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी थे, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के भी थे, और उन्होंने एक जनरल अवेयरनेस, प्रिकॉशंस, ये सब चीजों के बारे में हम सभी को बताया और हम सबसे कहा कि अगर आपके पास रीच है, इफ यू आर अ प्रोफेसर, इफ यू आर अ स्पीकर, इफ यू आर अ यूट्यूबर, सो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और इस अवेयरनेस को, पब्लिक एट लार्ज को फैलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो ये रहा है कि बहुत सारी रूमर्स चल रही है, सच कुछ होता है, बनाया कुछ और जाता है और वो फैलाया कुछ और तरीके ही और स्केल पे ही जाता है। हमने देखा है कि काफी लोग बिना मैसेज को पढ़े, मैसेज आने से पहले ही फॉरवर्ड कर देते हैं, तो रूमर्स बहुत फैल रही है, लोगों में डर क्रिएट हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो आज ये एक मेरा बिल्कुल छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, एज माय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, फॉर ऑल देयर पेरेंट्स, माय स्टाफ एंड ऑब्वियसली माय सब्सक्राइबर एंड ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो दोस्तों आज के मैं इस कॉन्वर्जेशन में आपको बताने वाला हूं सिंपल तीन चीजें, कोरोना क्या है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशनल, लेकिन आपको समझ में आए वैसे एक बिल्कुल ब्रीफ में व्हाट इज कोरोना वायरस। सेकंड थिंग, उसके सिम्टम्स क्या है, बिल्कुल जनरल सिम्टम्स क्या है, क्योंकि हो ये रहा है कि किसी को भी थोड़ा सा भी एक छींक आ गई तो लोग उसे शक की नजर से देखने लग रहे हैं। और तीसरी चीज जो हम यहां देखने वाले हैं, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। सो दोस्तों सबसे पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वी आर नॉट सराउंडेड बाय दी वायरसेस, हमारे आसपास कई तरीके के वायरस फैले हैं, निमोनिया है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है, ये सभी वायरसेस हैं। इन वायरसेस की तरह ही एक वायरस हमारे बीच में आया, दैट इज कोरोना वायरस। हर वायरस एक लिविंग बींग की तरह होता है, उसकी खुद की कुछ कंडीशंस होती है जिसमें वो ग्रो करता है, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें वो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, ये जो वायरस है, ये वायरस आया है चाइना से और ये वायरस बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट में सस्टेन नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग, इफ यू टॉक अबाउट कोरोना वायरस, तो डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की प्रिंसिपली चार स्टेजेस होती हैं, पूरी दुनिया में इसे अब पेंडेमिक घोषित किया गया है, महामारी घोषित किया है, तो इसके चार स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज नंबर वन होती है सिर्फ शुरुआत, स्टेज नंबर टू वो स्टेज होती है जहां पे आपके कंट्री में दूसरी देश से जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ वायरस ला रहे हैं, उन लोगों की इन्फेक्टेड की तादाद बहुत ज्यादा है और आपके यहाँ इन्फेक्शन फ्रेश जो फैल रहा है आपके यहाँ के रेजिडेंट्स में, वो कुछ केसेस डिटेक्ट होते हैं। तो जो इंडिया भी है वो है केस स्टेज टू में। थर्ड स्टेज वो होता है जहां मासिव, बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को ये वायरस फैल रहा है। और चौथा स्टेज होता है जिसको एपिडेमिक स्टेज कहा जाता है, विच इज द बियॉन्ड कंट्रोल। सिचुएशन यहां पे कि इंडिया अभी है स्टेज टू में, जहां जो 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों की फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री है, और वो भी उन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से जहां पे ये वायरस सबसे ज्यादा अफेक्ट कर चुका है, लाइक ईरान, स्पेन एंड इटली, चाइना एंड सो ऑन, दुबई। सो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो वायरस है, ये वायरस मोस्टली इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है। तो हमारे यहां पे ये हो रहा है कि आज अगर किसी को भी
किसी को भी एक जनरल स्नीजिंग होता है, कॉफिंग होता है, लोग कफ कर रहे हैं, तो लोगों को डर बैठ रहा है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने ये चीज क्लियर करने के लिए कहा है कि आपको अगर कॉफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, इट कैन बी एन एलर्जिक कॉफ एंड कोल्ड ऑल्सो। आप अगर जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कहते हैं कि प्लीज मेरा टेस्ट कीजिए, मुझे कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, तो प्लीज अंडरस्टैंड गवर्नमेंट आपका एज इट इज टेस्ट नहीं करेगी जब तक वो आपकी बैकग्राउंड चेक ना करे, हिस्ट्री चेक ना करे। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है? सिंपल सिम्टम्स है, पैरेलली अगर आपको कॉफिंग, आपका रनी नोज है और आपको बुखार आ रहा है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है कोरोना वायरस के। लेकिन इसके रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं। कोरोना से इसका कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है? दे विल फर्स्ट चेक योर एक्सपोजर। अगर आप खुद फॉरेन जाके आ रहे हैं विद इन दिस पीरियड, फरवरी लास्ट वीक से अभी तक, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में, कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कि फॉरेन जाके आ चुका है, तो आपके कफ, कोल्ड और बुखार का कारण कोरोना हो सकता है। नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो खांस रहा है, जो छींक रहा है, उसको कोरोना वायरस ही है। ये चीज पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के मीटिंग में डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हर एक इंसान का कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सरकार जो अभी इस टेस्ट के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रही है, बट सरकार को हर एक पेशेंट को जिसका कोरोना टेस्ट करना है उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज एक्सपेंसेस करना होता है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज, कोरोना वायरस जो है, इट्स नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज। एयरबॉर्न डिसीज का मतलब ये हवा से फैलने वाला वायरस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हम जो सांस ले रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा से हमें कोई डर नहीं है। कोरोना वायरस फैलने का एक सिंपल तरीका है और उसका एक रेंज है 1 मीटर का। अगर कोई पर्सन है जो ये वायरस को कैरी कर रहा है, जो इन्फेक्टेड है, डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, इन्फेक्टेड है, ये वायरस को कैरी कर रहा है, अब वो पर्सन अगर खांसता है तो उसके कफ में जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, वो ड्रॉपलेट्स जनरली 1 मीटर की रेंज में स्प्रेड होती है। तो अगर आप इमीडिएटली उसके सामने खड़े, तो हो सकता है वो ड्रॉपलेट्स आपके स्किन पे, आपके क्लोथ्स पे कहीं तो लग जाए, अगर नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ड्रॉपलेट्स जमीन पे जाके गिरेगी, और जहां पे वो ड्रॉपलेट्स गिरेगी, वो ड्रॉपलेट्स के साथ, वो कफ के ड्रॉप्स के साथ वो वायरस वहां पे गिर जाएगा, और वो वायरस की लाइफ रहेगी वहां पे फॉर 5 to 7 आवर्स, मतलब 5-7 घंटों तक वो वायरस वहां रहेगा, चाहे वो आपके कपड़ों पे हो, आपके स्किन पे हो, या वो जमीन पे हो। अब अगर वो 5-7 घंटों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो 5-7 घंटों में आप अपने कपड़ों को हाथ लगाते हैं या वो जमीन पे हाथ लगाते हैं जहां वो ड्रॉपलेट्स गिरी है, और फिर ये आपके हाथ आप बाद में अपने माउथ पे, नोज पे, आईज पे, कहीं भी लगाते हैं, तो ये वायरस आप में आ सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये वायरस एयरबॉर्न डिसीज नहीं है। ये वायरस का आपके बॉडी से कॉन्टैक्ट कहां से होता है और आपकी बॉडी में कैसे पेनिट्रेट करती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो वायरस है, अगर ये वायरस आपके साइनस सिस्टम में, अगर आपके थ्रोट में है तो प्रॉब्लम है, अगर ये वायरस आपके पेट में चला गया तो आपके पेट के अंदर के एसिड इस वायरस को किल कर देंगे, ये वायरस आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये वायरस अगर आपके साइनस सिस्टम में और थ्रोट में है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई वायरस इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने है और वो पर्सन आपके सामने खांसता है, कॉफ करता है, और उसके ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर डायरेक्टली गिरते हैं, या फिर आप उससे 1 मीटर दूरी पे ही क्यों ना है, वो ड्रॉपलेट जहां गिरे, किसी टेबल पे, किसी जमीन पे, मोबाइल फोन पे, जहां पे भी, तो आपने अगर उस ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो वायरस आपके पाम पे लग जाएगा। और अब ये पाम, अब आप अपनी आंखें मसल रहे हैं, नोज क्लीन कर रहे हैं, आप अपने माउथ को टच कर रहे हैं, तो ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये 3 सोर्सेस हैं इसके ट्रांसमिशन के, और यहां से अगर वो ट्रांसमिट हुआ तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। तो अब इसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रिकॉशन समझ में आ गया तो चीजें हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, व्हाट्सएप भी क्लियर कहता है, प्यार बांटे अफवाहें नहीं, हमारे यहां सबसे ज्यादा अफवाहें बांटी जा रही है,
नॉलेज किसी को थोड़ा होता है, थोड़े नॉलेज से वो कुछ ऐड करता है और फिर बहुत कुछ फैलाता है। तो मैं यहाँ पे आज आपके सामने बिल्कुल बेसिक चीजें लेके आया हूँ जो हमें डॉक्टर्स ने कही है और मुझे बिल्कुल लगता है आपको बताना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। मार्केट में मास्क की कमी है और मास्क के नाम पे लिटरली लूट हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा मास्क लेना है, नॉर्मल मास्क लेना है, N95 मास्क लेना है, क्या कैसे। एक 5-5 रुपए का जो मास्क है उसके लिए लोग 25 रुपए 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं। इवन तो गवर्नमेंट ने कहा है यू कांट चार्ज एक्स्ट्रा, बट हो रहा है ना, क्या करेंगे आप, हो रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कल, मुझे बहुत पसंद आया, वो तरीका ये है कि आपका सबसे बढ़िया मास्क है आपका हैंडकरचीफ। यस माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर्स ने कहा है आप दिन भर अपना खुद का पर्सनल हैंडकरचीफ 2 लेयर फोल्ड करके ट्रायंगल बना के अपने फेस पे बांध के रखिए और शाम को घर पे आने के बाद उस हैंडकरचीफ को बॉइल्ड वाटर में डेटॉल के साथ वॉश कीजिए और उसे ड्राई कीजिए और फिर वापस अगले दिन वही हैंडकरचीप आपको यूज करना है। बिकॉज आपको नहीं पता जो मास्क आप यूज कर रहे हो वो मास्क किसने यूज किया होगा या वो कैसे स्टरलाइज किया होगा या नहीं किया होगा। मतलब ये जो भी मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इन्फेक्टेड है और हुआ सराउंडेड बाय इन्फेक्टेड पीपल, ये हम जनरल लोगों के लिए जिनका कहीं कोई एक्सपोजर नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अगर है तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो मास्क आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपका हैंडकरचीफ सबसे बेस्ट है, प्रॉपर है और नेचुरल मास्क है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मैंने देखा है हैंड वॉश को लेके बहुत बात हो रही है, बिल्कुल सही है, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कोरोना वायरस का हमारे बॉडी में आने का एक ही जरिया, एक ही तरीका है और वो है हमारे हैंड्स, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे जो हैंड्स है टिल ईयर ये बिल्कुल हमेशा क्लीन रहने चाहिए और इसके लिए हमें एज एंड वेन पॉसिबल अगर मैं किसी भी फॉरेन बॉडी को टच कर रहा हूँ, एक्सटर्नल बॉडी को टच कर रहा हूँ, मैं घर के बाहर से आ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या कोई बाहर वाला आ रहा है, मैं किसी से हैंड शेक कर रहा हूँ जो कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। तो हैंड वॉश का मैंने देखा लोग आते हैं हैंड वॉश लेते हैं और फटाफट करते हैं और धो लिया हो गया। इस पर डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी चीज बोली, इस हैंड वॉश का कोई यूज नहीं है। हैंड वॉश मतलब आपके हैंड्स पे जो वायरसेस है उन वायरसेस को किल करने के लिए एटलीस्ट 20 सेकंड्स का टाइम जरूरी है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको हैंड वॉश लेना है और आपको हैंड्स को प्रॉपरली रब करना है ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से फॉर मिनिमम 20 सेकंड्स एंड देन ओनली यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ आपने जो हैंड वॉश किया उसका कुछ इफेक्ट होगा। इवन सेम थिंग गोज फॉर सैनिटाइजर्स कि आप सैनिटाइजर भी लो ले रहे हैं आप उसे फटाफट ऐसे करते हैं हो गया, वो सैनिटाइजेशन हुआ कहां। सैनिटाइजर्स को बैक्टीरियाज को वायरसेस को किल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक समय चाहिए और वो समय हम नहीं दे रहे, तो वो आपको सैनिटाइजर भी लेना है, उससे जेंटली अच्छे से 20 सेकंड्स तक रब करना है, उसके बाद ही आप सैनिटाइज हुए हैं आप ये चीज की गारंटी मान सकते हैं। तो ये दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉश बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसे कि सबने कहा है कि कोशिश करो आप खुद को क्वारंटाइन करो, क्वारंटाइन का मतलब है आप अपना संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़े, पर ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आपको इस चीज में एक चीज ध्यान रखना है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ी अभी दूरी बनाए रखें जो फॉरेन से आए हैं या फिर जो डायरेक्टली उन लोगों के टच में है, मतलब दी फैमिलीज एंड दी रिलेटिव्स और दोस पीपल जो अभी बाहर से आए हैं, ताकि एटलीस्ट वो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट मतलब कैसे ना रखा जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो एक एग्जाम्पल लीजिए, आपकी लिफ्ट में भी जब आप बटन प्रेस करते हैं तो आपको नहीं पता कि वो बटन के ऊपर वायरस है या नहीं है। आप डोर हैंडल्स पकड़ते हैं, आप अपने कार का स्टेयरिंग पकड़ते हैं, आप अगर बसेस यूज करते हैं तो बसेस का हैंडल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपको नहीं पता, तो आप इन सब चीजों में कैसे ध्यान रखेंगे। देयर आर नो स्कैनर्स अवेलेबल हर जगह, तो आप बार बार हैंड वॉश कर नहीं सकते, तो इसका तरीका क्या है। तो दोस्तों मुझे जो इस पूरी कन्वर्सेशन से समझ में आया इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपके जो हाथ है, हमारी एक नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन हैबिट होती है, हम हर थोड़ी थोड़ी देर से अनोइंगली हमारा हाथ हमारे फेस को कहीं ना कहीं हेयर्स को टच करता है, तो हमें ये कॉन्टैक्ट थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ गई, ये जो वायरस फैल रहा है ये बिलो द नेक नहीं फैल रहा है, ये जो वायरस फैल रहा है ये तभी फैल रहा है जब ये वायरस हमारे अबाव नेक पोर्शन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। अगर मैं घर के बाहर हूं तो मैं घर में हूं, मेरा घर क्वारंटाइन है, डिसइंफेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूं, मैं लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं कार में जा रहा हूं, कार ड्राइव कर रहा हूं, कोई भी चीज है, मैं किसी और से मिल रहा हूं,
मैं कहीं पे भी मॉल में जाता हूं, मैं रेलिंग पकड़ू, मुझे नहीं पता वो रेलिंग पहले किसने पकड़ी है ना। तो इस केस में मुझे ध्यान रखना है कि जब तक मैं हैंड वॉश ना कर लूं, मुझे मेरे हैंड्स को मेरे अपर नेक पोर्शन से कॉन्टैक्ट नहीं करने देना है। तो प्रिकॉशंस के अंदर पहला मैंने आपसे कहा हैंडकरचीफ यूज कीजिए, दूसरा चीज मैंने हैंड वॉश के बारे में आपसे कही थी जो डॉक्टर ने कहा, तीसरा क्वारंटाइन योरसेल्फ, अवॉइड करें किसी से भी कॉन्टैक्ट। हाँ, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड है, बट ऑफिस चालू है तो आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने जोन को क्लीन रखें, खुद का हैंडकरचीफ बांधे रखे और किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट में ना आए, फिजिकली हैंडशेक वगैरह ना करें ताकि आप पे ये वायरस का असर ना हो। समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो डॉक्टर ने कही है, जैसा मैंने बिगिनिंग में भी कहा कि ये वायरस गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर सकता है, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि प्लीज क्लीन योर होम फ्लोर्स यूजिंग वार्म वाटर, यूजिंग हॉट वाटर, गर्म पानी से अपने घर में साफ सफाई करनी चाहिए ताकि ये वायरस अगर इनडायरेक्टली कहीं पे भी आया है तो आप उस तरीके से खुद को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, हमारा एक्सपोजर बहुत लार्ज है, इट्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑफिस। एक बहुत छोटी सी चीज है, हम डोमिनोज से कुछ ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, स्नैपडील से कुछ ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवरी बॉयज जब आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके लिए जो डिलीवरी पैकेज लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता वो पैकेज पे कितने लोगों ने हाथ लगाया और वो पैकेज पे क्या है, तो हमें नहीं पता कहीं वो पैकेज से तो हम वो वायरस रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खुद के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट पीपल अराउंड यू। बिकॉज दोस्तों, ये वायरस बहुत मास स्केल बाकी तो लॉस कर रहा है बट इकोनॉमिक लॉस भी कर रहा है, और इस लॉस से बचने का एक ही तरीका है, अगर हम सेफ रहे, अगर हम इस वायरस को जल्दी से जल्दी इंडिया से निकाल सके तो वी कैन बी बैक टू अवर ट्रैक। वो मेरे सारे दोस्त जो मई 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उन लोगों से मैं कहूंगा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, क्वारंटाइन रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और जो बैचेस को छुट्टी दी है, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि यार ये एक टाइम है, कोई बात नहीं, घर पे रहो, इस टाइम को एंजॉय करो, घर पे बैठ के पढ़िए, घर पे एंटरटेनमेंट कीजिए, बट ऐसा मत समझिए कि छुट्टी मिली है तो बाहर जा रहे हैं, रोड साइड फूड खा रहे हैं, प्लीज ये सारा आउटसाइड फूड एंड ऑल अवॉइड कीजिए, अपनी तरफ से अपनी मेहनत कीजिए। क्लासेस जब चालू होगी तो हम वापस रिज्यूम करेंगे। ज़वरेस प्रोफेशनल एकेडमी के कुछ सेमिनार्स अनाउंस थे ऑन 22 मार्च एंड 29 मार्च ऑन द सीए कोर्स, शायद वो सेमिनार्स नहीं हो पाएंगे, वी आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस, एक वीक है अभी, बट अगर वो सेमिनार्स नहीं भी हो पाए तो आई विल बी कंडक्टिंग दो सेमिनार्स वर्चुअली फॉर यू। तो स्टे इन टच, स्टे इन ट्यून ऑन माई यूट्यूब चैनल और बने रहिए मेरे साथ, सेफ रहिए एंड लेट अस से टुगेदर, गो कोरोना, कोरोना गो।